अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अजंता पुलिस स्टेशन। तो पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, रूट मार्च की पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, जो अजंता के अंदर जो अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब ने रूट मार्च निकाले तो इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब से आपको पूरी मुकम्मल जानकारी वीडियो में आपको हम देने वाले, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। पहुंच चुके अजंता पुलिस स्टेशन में एपीआई साहब से बात करने, तो यहाँ एपीआई साहब से हम जानकारी लेने वाले रूट मार्ग के बारे में। तो सर, आप आने वाले दिनों में 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी भीम जयंती मनाई जाएगी एवं 17 तारीख को रामनवमी अजंता पुलिस थाने के अंतर्गत अजंता शिवना घटामरी अम्बई सारोड़ा इन जैसे कुल 9 जगहों पे रामनवमी का सेलिब्रेशन होने वाला है और कुल मिला के 33 गांवों में भीम जयंती मनाई जाने वाली है। इसके अवसर पर आज शिवना और अजंता इन दोनों शहरों में गांवों में गार्ड एवं एसआरपीएफ के जवानों के मिला के आज रूट मार्च निकाला गया है, जो रूट मार्च अजंता के बस स्टैंड से लेके गांधी चौक से लेके सभी मंदिर, मस्जिद, शीतला माता मंदिर, हनुमान मंदिर, राम मंदिर और शहर की जो रूट से ये मिरणुक निकाली जाती है उसके सभी एरिया से ये मिरणुक आज निकाली गई है। तो ये थे अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब से हमने बात करे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और रूट मार्च किस तरीके से निकाले इन्होंने पूरे अजंता शहर में, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, बने रहे हमारे साथ अजंता न्यूज पे। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट में तो आपने देखे अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब से हमने पूरी जानकारी ली। तो आज आपको हम बताने वाले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में अपने शेयर। आपको सामने नजर आ रहा है सभी तमाम खूबसूरत नजारा, आपको नजर आ रहा है बैनर जो इस तरीके से लगाए हुए यहाँ, जो आपको हमने वीडियो में बताया। तो दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पे यहाँ रंगोली आपको जो नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत रंगोली है जो सामने आपको दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन के मौके पे बनाई हुई यहाँ रंगोली। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो कमेंट में कैसा लगा बिल्कुल होते हुए जामा मस्जिद से होते हुए सराय से होते हुए जो अजंता पुलिस स्टेशन में हमने एपीआई साहब से भी बात करी वीडियो में आपने देखे। तो बंदोबस्त किस तरीके से, बंदोबस्त के लिए सभी जो आपको स्टाफ के लोग नज़र आ रहे तो इसमें आपको बने रहना चाहिए दोस्तों। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, तमाम जो आपको हम बता रहे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो हम बनाते रहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी वीडियो बनाते तो आपका सभी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बहुत से आपने देखे वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं अजंता न्यूज़ पे, एक समाज सेवा चैनल है, सभी के वीडियो हम अपलोड करते हैं। तो मेरी आप लोगों से बिल्कुल रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। और तमाम जानकारी आपको एपीआई साहब ने, जो अजंता पुलिस स्टेशन के एपीआई साहब ने पूरी जानकारी वीडियो में आपको हमने दी। यही देखिए रूट मार्च जो आपको सामने नज़र आ रहा है तो अजंता पुलिस स्टेशन से लेके, तो आपने देखे पूरी जानकारी आपको हमने दिए, एपीआई साहब से भी हमने बात की। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। आज आपको पता है दोस्तों 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, तो इसमें पूरा बंदोबस्त रहेगा और बहुत से जो त्यौहार आते हैं वहाँ बंदोबस्त करते हैं अजंता पुलिस स्टेशन की तरफ से, जो इंतज़ाम रहते हैं। अभी ईद के टाइम पे भी इंतज़ाम था और बहुत से त्यौहार आने वाले, तो उसी के टाइम पे इंतज़ाम रहता है। पहले आपको बताते हैं, हम जानकारी देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। ये देखिए सभी इंतज़ाम जो आपको रूट मार्च के बारे में हमने आपको जानकारी दी। वीडियो कमेंट में कैसा लगा बिल्कुल बताना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो आपने देखे दोस्तों अजंता बस स्टॉप से लेके अजंता गांधी चौक, अजंता गांधी चौक
गांधी चौक से लेके कलंदरी मस्जिद से फिर रिटर्न में गांधी चौक, और गांधी चौक से लेके जो सराय जामा मस्जिद, और तो आपको अजंता पुलिस स्टेशन तक आपको पूरी जानकारी आपको हमने दी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए, क्योंकि यह सभी जो त्यौहार रहते हैं उसके बंदोबस्त के लिए अजंता पुलिस स्टेशन के API साहब जो इंतज़ाम करते, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। देखिए तमाम जो आपको ऑफिसर जो नज़र आ रहे आपको हमने पूरी जानकारी दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये वीडियो में बिल्कुल आपने बताना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों सभी को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। जो आपको सामने API साहब अजंता पुलिस स्टेशन के API साहब नज़र आ रहे, PSI साहब नज़र आ रहे, सेकंड PSI साहब नज़र आ रहे, तमाम स्टाफ के लोग आपको नज़र आ रहे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। ये तमाम त्यौहारों का इंतजाम रहता, ईद के दिन भी इंतजाम था अजंता पुलिस स्टेशन की तरफ से। आज जो 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन है, तो इसके मौके पर जो इंतजाम है अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरी जानकारी कैसी लगी वीडियो में आपको ये कमेंट में बिल्कुल बता।